हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माही क्रिएशन फैशन वर्ल्ड पे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सभी लोगों के घरों पे फ्रेंड्स बहुत सारी पुरानी बेडशीट होती हैं, बहुत से पुराने कपड़े होते हैं फ्रेंड्स, और कुछ कपड़े अच्छे अच्छे भी होते हैं तो जिनका क्या यूज करें समझ पे नहीं आता है, और कुछ पुराने कपड़े भी होते हैं जिनका भी यूज हमें समझ पे नहीं आता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पुरानी बेडशीट का यूज करके बहुत ही यूजफुल सी चीज़ बना के रेडी करेंगे, जिस पे आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं फ्रेंड्स। और स्टोरेज बैग की तो हम सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमको एक थाली लेना है, और एक थाली के हेल्प से फ्रेंड्स हम ये देखिए इस प्रकार का गोल सर्कल कट कर लेंगे। तो बिल्कुल इजी तरीके से स्टोरेज बैग आज हम बना के रेडी करेंगे फ्रेंड्स। और बस हमें जिस साइज पे भी बैग बना के रेडी करना है तो एक थाली ले लेना है, बड़े छोटे साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये दो बेडशीट के फैब्रिक को कट किया है, आप सेम साइज की बेडशीट का भी यूज कर सकते हैं। और एक मैंने राइस बैग का ये देखिए कट कर लिया है फ्रेंड्स राइस बैग को। राइस बैग नहीं है तो आप प्लास्टिक बैग या आटा बैग भी यूज कर सकते हैं। अब इसके चारों तरफ फ्रेंड्स हमको सिलाई लगा लेना है, और फिर बीच पे भी निशान लगा के हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा बेस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से भी बीच पे हम सिलाई लगा लेंगे, और बिल्कुल ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत बड़े साइज पे हम स्टोरेज बैग बना के रेडी करेंगे, जिसपे आप बहुत सी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड, जिसको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है ना, तो वो इस प्रकार का बैग बना के रेडी कर सकता है, जिसपे आप बहुत सारे कपड़े स्टोर कर सकते हैं, बच्चों के खिलौने स्टोर कर सकते हैं, और बिल्कुल इजी तरीके से बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दीजिएगा। अब क्या करना है फ्रेंड्स, एक जगह पर हम देखिए फैब्रिक पर निशान लगा लेंगे, और इस प्रकार से सर्कल को नाप लेंगे, और जो हमारा नाप आएगा फ्रेंड्स उससे एक इंच ज़्यादा हम फैब्रिक को कट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से सर्कल को पूरा नाप लेना है अच्छे से, और जो भी हमारा नाप आता है तो उससे हम एक इंच दो इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा फ्रेंड्स उसे हम बाद पे कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 41 इंच आ रहा है, तो हम 42 या 43 इंच फैब्रिक कट करेंगे, और चौड़ाई आप जो भी रखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो उस हिसाब से रख लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये 42 इंच का फैब्रिक कट कर लिया है, और मैंने 20 इंच फ्रेंड्स चौड़ाई रखी है, तो 20 इंच मुझे चौड़ाई रखनी है तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो मैंने 23 इंच चौड़ाई रखी है अभी, तो एक दो इंच हमारा सिलाई पर अभी दब जाएगा फ्रेंड्स। अब ये देखिए, एक राइस बैग भी मैंने सेम साइज का कट कर लिया है, और यदि राइस बैग फ्रेंड्स ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप ज्वाइंट करके भी यूज कर सकते हैं। तो अब अच्छे से पिनअप कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और फिर इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से चारों तरफ से अच्छे से पिनअप कर लेंगे, और फिर सिलाई लगाने में इजी हो जाता है, चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से सिलाई हो जाती है पिनअप करने से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके ना चारों तरफ सिलाई लगा के रेडी कर लिया है, और जो भी एक्स्ट्रा बोरी थी, जो कपड़ा था, उसे मैंने कट कर दिया है, तो बिल्कुल इजी तरीके से रेडी होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब बस सिंपल थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से रखना है दोनों फैब्रिक को, और हम पहले पिनअप कर लेंगे फ्रेंड्स। और यदि आपके पास पिन नहीं है तो आप कच्ची सिलाई कर लीजिएगा। ये देखिए, इस प्रकार से दोनों फैब्रिक को ज्वाइन करते जाना है। तो जैसे मैं पिनअप कर रही हूँ फ्रेंड्स, बस वैसे ही हम सिलाई लगा लेंगे। और यदि आपके पास पिन नहीं है फ्रेंड्स, तो आप एक बार ना कच्ची सिलाई लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको जो पक्की सिलाई होगी उस पर उसको मशीन से लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से पूरे सर्कल पे हम पिनअप कर लेंगे, और फिर ये देखिए सिलाई लगा लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से मैंने इस पे सिलाई लगा के रेडी किया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने
चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब इसको हम पलट लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने इसे पलट लिया है और अब जो ये साइड पे जो खुला हुआ पार्ट है ना, पहले हम इस पे सिलाई लगा देंगे। तो बिल्कुल इजी तरीके से बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं इस पे सिलाई लगा के इनको ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि फिर किस प्रकार से हमको और सिलाई लगा के रेडी करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लिया है। अब इसे सीधा कर लेते हैं हम, और ये जो थोड़ा सा जो खुला हुआ पार्ट है फ्रेंड्स, उसे भी हम सिलाई लगा के स्टिच कर देंगे। बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स, बिल्कुल इजी तरीके से बन के बहुत बड़ा स्टोरेज बैग बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। अब ये देखिए 2.5 इंच की ये पट्टी ली है मैंने, तो ये 41 इंच की पट्टी है फ्रेंड्स। जो हमारा सर्कल है उसी के साइज की मैंने पट्टी ली है। और इस प्रकार से ये देखिए सिलाई लगा के, पाइपिंग पट्टी लगा के पूरे सर्कल पे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ से पाइपिंग पट्टी लगा ली है। आप चाहे तो किसी दूसरे कलर की भी पाइपिंग पट्टी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हमको हैंडल के लिए 2 पट्टियाँ बना के रेडी करनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये 2 राइस बैग की पट्टी ले ली है फ्रेंड्स, और 2 मैंने बेडशीट का फैब्रिक ले लिया है। तो ये 21 इंच लंबी पट्टी है और 5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने कपड़े की कट की है फ्रेंड्स, और 2 इंच चौड़ी मैंने राइस बैग की पट्टी कट की है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से बीच पे रख के कपड़ों को फोल्ड करके ये देखिए ये पट्टियाँ स्टिच हो गई हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो ऊपर की तरफ का जो हमारा पार्ट है उसको हम ये देखिए इस प्रकार से 2-3 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, जिससे कि जो हमारा ये ऊपर का जो सर्कल है उस पर अच्छे से गोलाई आ जाएगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए एक बार इस प्रकार से सिलाई करेंगे और फिर एक बार और पलट देंगे, जिससे कि अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ना ऊपर की तरफ से भी सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। और आप ऊपर की तरफ की अपने हिसाब से जितनी लंबाई रखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो उतनी रख लीजिएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से भी सेंटर पे दोनों तरफ नाप के ये देखिए ऐसे हैंडल लगा के अटैच कर देंगे। तो जिससे कि क्या होगा, ये जो बैग बना है हमारा उसको उठाने में, इधर उधर रखने में आसानी होगी। तो ये देखिए पहले इस प्रकार से बास्केट को कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से सेंटर मिला के ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे निशान लगा लेंगे, और फिर बराबर से दोनों तरफ फैब्रिक पे हमको हैंडल लगा के रेडी कर देना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत बड़ा बास्केट, बहुत बड़ा स्टोरेज बैग बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड्स, और बिल्कुल इजी तरीके से 10-15 मिनट पे आप इसे बना के रेडी कर लेंगे। और बहुत ही अच्छा बास्केट बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स, और बिल्कुल बेकार के कपड़ों से, पुराने कपड़ों से। ये देखिए आप इस पे जो आपके डेली के कपड़े होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं, कोई ऐसे कपड़े स्टोर कर सकते हैं जिनका यूज नहीं होता है, या जो डेली में जो आप यूज करते हैं फ्रेंड्स, साड़ी वगैरह, शर्ट वगैरह, उनको स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसको लॉन्ड्री बास्केट के जैसे यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, लॉन्ड्री बैग के जैसे यूज कर सकते हैं, और आप इस पे प्रेस वाले कपड़े भी रख सकते हैं, बेडशीट स्टोर कर सकते हैं, गर्म कपड़े स्टोर कर सकते हैं सर्दियों के दिनों पे। बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स। और यदि आप इसे नीचे रखना चाहते हैं तो देखिए फर्श पे कहीं भी कोने पे रख दीजिए, एक जगह पे, किसी को अच्छा भी लगता है देखने में, और आपके कपड़े भी स्टोर हो जाते हैं। और आप चाहें तो जो ये देखिए हैंडल है उनको पकड़ के कहीं भी ऊपर खीले वगैरह पे भी हैंग भी कर सकते हैं। तो आप इस पे कंबल भी स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस प्रकार से कंबल को राउंड कर लीजिएगा, और ये देखिए इस प्रकार से रख सकते हैं आप। तो 2-3 कंबल आराम से आ जाएंगे फ्रेंड्स, जो पतले वाले होते हैं। और यदि आप कोई मोटा कंबल स्टोर करना चाहते हैं तो उसे भी राउंड करके रख दीजिएगा, तो एक मोटा वाला जो कंबल होता है वो भी अच्छे से स्टोर हो जाएगा। तो बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स, आप इस पे बच्चों के खिलौने भी स्टोर कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।